और यहाँ पे चेतक स्टार्ट नहीं हो रहा है। सेम प्रॉब्लम हर जगह पे, ये स्टार्ट नहीं होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली उनका मिड समर का सेलिब्रेशन का जो फ्रॉग डांस होता है ना, ये है वो। वेलकम वेलकम बैक टू देसी टू विदेसी। हम आज आए हैं कहाँ पे? यस, कॉनर बीच। तो ये कोने के पास में एक बीच है, छोटा सा जगह है, छोटा सा सिटी है, बट बहुत ही अच्छा बीच है। हम आए हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में। देन अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। तो सी बीच को जाने से पहले यहाँ पे एक जैसे गांव का कच्चा पक्का सड़क नहीं मिलता है, वैसा ही कुछ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे नदी वगैरह अंदर घुसाते हैं, यहाँ पे घर है और बीच में कच्चा पक्का सा रास्ता है जिसमें साइकिल एंड चल के आप जा सकते हो। यहाँ पे लोग इतना फुटबॉल खेलते हैं कि हर जगह पे आपको एक फुटबॉल फील्ड मिल जाएगा, और वहां पे एक विंड मिल है। और ये एक छोटा सा नेचर रिजर्वर टाइप का कुछ है, और चारों तरफ ऐसे तार में करंट वगैरह है, तो आप उसको टच मत कीजिएगा, पूरा लिखा हुआ है। और यहाँ पे पूरा लाइन लगा के बहुत सारे मोटर होम्स वगैरह खड़े हैं। यहाँ पे आप बाइक रेंट पे भी ले सकते हो जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखिए 125 एसी के पर डे। ये है पूरी जगह। यहाँ पे सर्फिंग, काइट सर्फिंग, स्टैंड अप पैडल, सर्फ कैंप्स, ये सारा भी है। अच्छा, और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, ये जो छोटा छोटा मैं डाल रही हूँ अभी ट्रैवल वीडियोस, वो इसलिए डाल रही हूँ कि एक तो हम लोग अभी बाहर नहीं जा सकते कोविड के चलते, तो हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है, फिर भी फॉर सेफ साइड हम लोग अभी बाहर नहीं जा रहे। और एक रीज़न ये भी है क्योंकि स्वीडन एक नॉर्डिक कंट्री है और यहाँ पे बहुत कम सनशाइन आपको देखने को मिलता है, तो लोगों का ये एक आइडिया रहता है कि यहाँ पे घूमने के लिए कोई जगह शायद नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी जगह मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ऐसे नहीं है कि स्वीडन में कुछ भी देखने के लिए नहीं है, सिर्फ जंगल है या सिर्फ कोई इंडोर एक्टिविटीज़ ही है, बाकी बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ भी है। तो ये छोटा सा मेरा एक आप बोल सकते हैं प्रयास है आप लोगों को दिखाने का, स्वीडन हैपनिंग भी है, बहुत सारे जगह है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगर आप न्यूली स्वीडन मूव करने वाले हो तो डरिए मत, इतना भी डिप्रेसिंग नहीं है स्वीडन, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ना बीच में ऐसे समंदर घुस गया है एक जगह पे, तो मैं वहाँ पे आपको लेके चलती हूँ, और मैप में भी आपको एक इमेज डाल दूँगी कि पर्टिकुलर लोकेशन कैसा दिखता है मैप में। अच्छा, ये जो बीच है अपना जो वाइट सैंड है, उसके अलावा और एक चीज़ के लिए भी बहुत फेमस है जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। ये है वो जगह, यहाँ पे शायद जब हाई टाइड वगैरह होता होगा तो अंदर जाता होगा पानी।
इसके आगे भी एक बीच है पल्स्त्रेबो बीच, वो भी अच्छा है, आप वहाँ पे ग्रिलिंग वगैरह कर सकते हो। वो भी थोड़ा बहुत क्राउडेड है पर इतना नहीं है, चलेगा, मतलब समर टाइम एंजॉय करने के लिए अच्छा है। यहाँ पे पानी वगैरह आता तो है लग रहा है दोनों तरफ देखने से। ये देखिए ये ना ऐसा दिख रहा है कि अंदर से गड्ढा है पूरा, तो डीप तो होगा ये लग रहा है। और अभी इस बीच में ना बहुत सारे प्री वेडिंग फोटो शूट्स भी हो रहे हैं, तो क्योंकि थोड़ा सा ये खाली खाली सा है तो लोग फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। हम एकदम ऐसे किनारे किनारे चल रहे हैं। और अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है इस बीच का सेकंड टूरिस्ट अट्रैक्शन, और वो है ये छोटे छोटे रेनबो कॉटेजेस। बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए आते हैं, फ़ोटो खींचने के लिए आते हैं। बहुत सारे फ़ोटोज़ आपको इस कॉटेजेस के मिल जाएंगे। पता नहीं क्यों ये इतना फेमस है, पर मैंने जब देखा तो ये सारा बंद पड़ा था, पता नहीं क्या है इसका यूज़, पर ये फेमस है और बहुत सुंदर दिखता है ऊपर से। और क्योंकि ये डिफरेंट कलर्स में है तो इसको रेनबो कॉटेज भी कहा जाता है। और अभी हम लोग इस बीच का जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे प्राइवेट बोट्स, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ का, क्योंकि उनका फ्लैग लगा हुआ है। तो आई गेस ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे आए हुए हैं वैकेशन वगैरह मनाने के लिए। और मेरा प्लान ये है कि जितना दूर मैं डेडन तक जा सकती हूँ वहाँ तक एक्सप्लोर करूँगी। तो फिलहाल मैं ऑलमोस्ट डेड एंड में यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, और सामने आप देख सकते हो ये एक बेस्ट चीज़ मैंने ये स्वीडन में देखा है, जो एक छोटी सी बच्ची और शायद उसकी मम्मी है, दोनों कुछ चीज़ें वो जो वहाँ पे गंदा वंदा कुछ गिरा था उसको क्लीन कर रहे हैं। तो ये एक बेस्ट चीज़ देखने को मिलता है स्वीडन में हमेशा ही, कि लोग ये नहीं सोचते हैं कि किसी और को करना है, खुद ही कर लेते हैं। कोई भी कचरा वगैरह देखते हैं तो खुद ही क्लीन कर लेते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मुझे कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप सजेशंस दे सकते हैं। अभी हम लोग जिस जगह पे हैं ये है यहाँ का पूरा रेस्टोरेंट वाला एरिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको खाना पैक करके लाना है, यहाँ पे अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये जगह कैसा लगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड मैं आपको मिलती हूँ और एक नए वीडियो में कुछ एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड लविंग देसी टू विदेसी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।